और ये सामने जरा कालीन है, ये 200 साल पुराना कालीन है उन्होंने दसाए। ये गन्स हैं, ये रशियन गन्स हैं, हंटिंग वास्ते डिफेंस वास्ते इस्तेमाल थी नयान। और ये फोर्ट दी तस्वीर है रेनोवेशन तू पहले दी। अगू अजन चार तू पांच मिनट का सफर उन्होंने आके है, लेकिन उन्हें वास्ते उसे मेरे को लगता है अपने तो 15 मिनट लग गए सन, लेकिन बस उत्ते बहने। बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भिरावा को अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करें सारे खैर खैरियत ना लोसो। दोस्तों अब जब व्लॉग शुरू करने पे हैं, मेज़बान होटल है सारी रिहाइश आई, चेकआउट असा कर गई थे, सामान सारा गड्डी दे उत्ते रखवा दी थे, गड्डी सारी रेडी है, लेकिन असा वजने ओ सामने उत्ते देखो ए सामने अल्तित फोर्ट है और किला है, बड़ा जबरदस्त किस्म का पुराना। तैयारी हो गई है, इत्थे रख सु, इत्थे रख सु, काम करके इत्थे रख सु, इस्लामाबाद पहुंचूंगा ते कल इंशाल्लाह शाम पहुंच जाऊंगा, हम दोनों इस्लामाबाद मिलाऊंगा ते दिए दूजे दिन आके मतीउल्ला मुकू ले लूं इस्लामाबाद तो बुलावा और पेशावर जाना। दो दोस्त साडे दे रहे पहुंचना ठक बेनिया जाना मुजफ्फर मकीम बसात ते अजीम हमजा सारे ठोकर ते उतरन गए ते जेरे हैं ना सारे दोस्त दू हमजा छोटा जेरा और मतीउल्ला ओ इस्लामाबाद तो बाहे वैसे मतीउल्ला ने पिशावर बनने और हमजा ने झंग होने वाले तो आपको जरा फोर्ट विजिट कर मैंने ये दोस्तों इतू ये बल्तित फोर्ट लिखा खरे 380 मीटर दी चढ़ाई है और असा हूँ उत्ते वजने सीधा और वाजते तो आपको फोर्ट विजिट करवाने। बहुत खूबसूरत जगह है, मैं 2016 लास्ट टाइम विजिट किया, उन्दे तो बाद मैं खंजराब पास तक हो आया, दरम्यान टूहर नारायण तक तो लगते रह गए मरी वगैरह, लेकिन इतना जरा है ना 2016 तो बाद हो आया, शादी तो बाद बेगम दे नाल आया हम 2020 वो भी सिर्फ बाबू सर टॉप तक आया से उतू वापस वल गया से सारी तो हमने नाल थकावट शुरू थी गई है। दोस्तों उत्ते तो असं वेंदे ही पे हैं, लेकिन फिलहाल असं इतना शॉप पर रुके हैं, ये खुबानी का तेल है फ्रैश इतना कढ़ेंदे और बिल्कुल प्योर है उन्होंने डिजाइन दे विच कोई मिलावट कह नहीं, और ये असं गिंदे पे हैं क्यों जो ये वाला वास्ते दाढ़ी वास्ते वैसे ओवरऑल भी ये इस्तेमाल किया बन सकते पीवन वास्ते भी लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जरा ज्यादा हैवी होंगे। बहरहाल असं जरा हूँ तेल शेर इतों गिंदे पे हैं और उन्दे तो बाद असं उत्ते निकल सू बल्तित फोर्ट की तरफ। दोस्तों ये रास्ते ही पॉइंट है जितों असा टिकट गिननी है, 600 रुपए की एक टिकट है, बाकी लोग अजन दुकान पर ही खड़े हमजा लोग माए और तारिक जरा है, असा आ गए हैं अपनी टिकट गिन की दी है और हूँ असा उत्ते वेंदे पे हैं। अच्छा फोर्ट है, जाहिर है इतना दूर जरा सफ़र करते आवे वो फोर्ट लाजमी विजिट करे। ये बल्तित फोर्ट इतने उत्ते करीमाबाद बाजार है और जरा अल्तित फोर्ट है वह तले है कोई इतों 5-6 किलोमीटर के फासले ते है, वो उत्तन का सारा इरादा कह नहीं बस इहा फोर्ट विजिट करते असा वापसी का अपना इंशाला नारायण का सफ़र शुरू करे सूँ। अज रात असा नारायण च स्टे करे सूँ और कल इंशाला उतों निकल सूँ तो लाहौर पहुँच सूँ। दोस्तों अपनी तो बस थी गई है, थोड़ी देर बह गए हैं, अगों अजन चार तू पांच मिनट का सफर उन्हें आखे है, लेकिन उन्हें वास्ते उसे मेरे को लगता अपने तो 15 मिनट लग गए सन, लेकिन बस उत्ते बहने। जाहिर हिस्ट्री है चीज़ा इतनी दूर बंदा आवे विजिट जरूर करने चाहिए। क्यों भाई तारक थक गए हैं? ओके चाह चाह के थक गए बड़ा अच्छा जरा ही नहीं जाता पहली दफा तो देखो टिकट ला ली होना से उत्ते जावे फिर घूम के फिर अभी तले जाना फिर सफर करना। दोस्तों ये सामने आ गए असा उत्ते अजन फोर्ट से तो वजने लेकिन सामने दोस्त सारे इतना बैठे हुए ये फोर्टिना गार्डनस है और इन जरा मुख्तलिफ मतलब जूस शॉप है और बड़ा खूबसूरत बाग बनया हुए उत ही बनते थोड़ा जहा बांधे रेस्ट भी थी वैसे जूस शूस पीने वाल उत्ते बहने। दोस्तों जरा बाग है इन्दे विच सेब का फल भी लगा हुआ है, चैरी भी लगी हुई है और खुबानी भी सामने दरख्त लगी हुई है, जूस आ गए जनाब चैरी का भी मैंगो शेक और हूँ जूस पीने हैं। जूस पीते उन्दे तो बाद जरा रेस्ट भी हूँ ठीक है क्यों जो वाल उत्ते निकलते हैं, बस हम सामने पहुँच गए हैं, वहीं विजिट करेंगे बल्तित फोर्ट।
सारे बाकी दोस्त भी थे यहाँ बैठे, नजीम, वकास, मुदस्सिर, बनी खान, क्यों जो जरा बंदियां तू अलग बंदे हो पर बैठा हुए। ए दोस्तों उत्तू असा चन फिलहाल इतनी बाग छा, और ये देखो तले हुंजा शहर नजर दा पे, अल्लाह ताला दी बड़ी खूबसूरत कुदरत है जनाब। और फाइनली असा बलतित फोर्ट पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं, लेकिन अजन बेहा उत्ते चढ़ना पोसे, थोड़ा जा बेहा भी उत्ते बजना, लेकिन क्या खूबसूरत है मंजर देखो। ए दोस्तों हिस्ट्री लिखी हुई है इंदी, ये देखो किला बलतित अगाई कोट करीमाबाद हुंजा। लो जी दोस्तों टिकट चेक थी गई है, और हुण उत्ते असा वेंदे पे टूर गाइड जे रहे हैं इत्थे बलतित फोर्ट, जरा गाइड करेसन साकू पूरा विजिट करवेसन के कितना पुराना है, केरी केरी जादी, क्या हिस्ट्री है, तमाम साकू दसेसन। ए बस हुण फर्स्ट गेट तू असा एंटर थींदे पे पलटून सारी नाल है। ये देखो जी अपने सर का ख्याल रखें, आ जाओ जी आ जाओ जी। ए जी असा फोर्ट दाखिल थी गए हैं, देखो कितना पुराना है, और अजन तीन की कंडीशन क्या खूबसूरत है। आप लोगों का टूर कंडक्ट कर लूंगा, तो रूम पे जाने से पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमजा में हमारे पास दो किले हैं, बल्कि ये दोनों किले हमजा के हुक्मरानों ने अपने डिफेंस और रिहाइश के लिए बनवाए थे। बलातित जो है वो 900 साल से ज़ायद पुराना है, इसी तरह के लबालतित को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट करवा दी गई, जिसे रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट हिस्ट्री में जो है 765, लगभग 800 साल है। लेकिन पूरे किले की 800 साल नहीं है, फिर इनमें वक्त के साथ एडिशन रिफॉर्म्स भी होते चलाए हैं। इसी तरह के लबालतित 1945 तक, ये किले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप, 6x6 स्क्वायर है। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और उसी के ज़रिए से निकालते थे, और इसी तरह के 60 मजीद गंदम के गोदाम से इसकी चारों तरफ और अंदर दाखिल होंगे। इसमें एक्सेस के लिए आयरन ग्रिल्स और स्टेयर्स लगाए गए हैं। रेनोवेशन से पहले ये ग्रिल स्टेयर्स नहीं होते थे, मुजरमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे। 5-10 दिन यहाँ कैद खाने में रखने के बाद फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए कुछ को सजाई मौत, कुछ को जलावतन, और जंगी मुजरमों को चाइना काश कर ले जाकर वहीं पर फरोख किया जाता था। सो प्लीज सर का ख्याल रखना। हिस्ट्री देखते पे दोस्तों, ये जेल है इंदा, और इतना जेल दे वे जेरे कैदी होंदे हन, जंग जेहे लोग पकड़ खिंदे हन, उन्हां को सजा वास्ते पहले इनिशियली इतना ही रखा वेंदा है। और क्या खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है। ये दोस्तों कपड़े वगैरह जेरे ऊँ दौरे इस्तेमाल थींदे हन, ये शाही लिबास है, ये जेले कोई इवेंट वगैरह उन्होंने दसाए होंदा या किसी दरबार वजना होंदा बादशाह वास्ते इस्तेमाल थींदा। ये खवातीन का ड्रेस है, और ये नॉर्मल रूटीन का गाउन है सर्दियों वास्ते ये भी। और ये जरा है ना ये किले का गार्ड्स का रूम है, इतों वो तले जरा है सुराख वगैरह तू सारा ध्यान रखे हैं सिक्योरिटी वगैरह का। दोस्तों ये जरा रूम है, एक कालीन जरा नजर दा पे उन्होंने दसाया 100 साल पुराना कालीन है, हैंडमेड, और इतना जरा है जरा बादशाह वो बांधे हैं और फैसले वगैरह थी, इतना हीटिंग का इंतजाम है, इतना भी ये ड्राई फ्रूट वगैरह रखने की जगह है। ये उन्होंने दसाया कि जेरे जेवरात वगैरह रखने वास्ते ये जगह होंगी है। ये देखो मतलब जिमें अज असा कोई ना कोई लॉकर इस्तेमाल करें तो उन दौरे इवें इंदा इस्तेमाल होंदा है। ये बर्तन वगैरह हैं, ये देखो ये काशगर तो उन्होंने दसाए कि आए हैं, और ये देखो दरवाजे सारे छोटे हैं, सिर तले करते गुजरना पौंदे इतों। ये दोस्तों जेरे जंग इस्तेमाल थींदे हैं, और ये देखो ये गशपुर गरी खान का कमान और द बो ऑफ प्रिंस गरी खान, ये देखो ये तीर हैं जेरे इस्तेमाल थींदे हैं वक्त। और हुण असा इतों उत्ते वेंदे पए हां, ये सीढ़ियाँ देखो दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत तरीके नाल इतने पुराने दौर च इतनी बेहतरीन चीज़ बनाई गई है ना, वाह। असा छत पे आ गए हैं, ये बेसिक पोलो तो अजकल भी इतना खेली वेंदी है इन्हें एरिया, तो आपको पता है शंदूर पोलो काफी थे। और ये देखो सामने की तरफ जो बर्फीली पहाड़ नजर आ रही
हैं, ये रकापोशी है, सत समंदर से 7788 मीटर है। नेक्स्ट रकापोशी दीरान पीक 7200 मीटर, अंदर की तरफ गोल्डन पीक, बादलों में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, 7027। और यहाँ पे एक सेक्टर दो है उत्तर वन एंड उत्तर टू, 7388। ये दोस्तों जरा रूम इन पिक्चर्स वगैरह हैं प्रिंस आगा खान और उन्होंने जरा शजरा नसब है, उन्होंने दादा पर दादा की तस्वीर हैं। और वल इन साइड से वनू तो ये उन्होंने जेरे जिन्हें हुक्मराना ने इतना वो की है ना हमजा यानक पकड़ना, जिन्हें हुक्मराना ने इतना हुक्मरानी की थी, मतलब जिन्हें लोगों ने उन्होंने तस्वीर हैं। ये देखो ये मीर गजन खान हैं और ये ईवान सकबाल एक रिसेप्शन हॉल वो खेंद, और ये देखो तो शीप जेरी इतना पाई वेंदी है भेड़ आकिनो इतना दी, और ये सारे जेरे जेरे गुजरे ये झंडा है इतों का हुंजादा, और उन्हें तो बाद ये लास्ट जेरे प्रिंस गुजरे हैं वो ये हैं, और ये उन्होंने ड्रेसिस वगैरह हूँ जेरे मौजूदा हयात हैं। ये मीर गंजफर अली खान इतना ही तले न्यू पैलेस से चला दें, उन्होंने वाइफ रानी ऑफ हुंजा और उन्होंने बेटा प्रिंस शाह सलीम खान, ये सारा इनकी हिस्ट्री है। ये जरा रिसेप्शन हॉल है और ये सारी तस्वीर की शक्ल मौजूद है। ये जरा रिहायशी कमरा है उन्होंने ना, और ये जरा मौसम गर्मा का शाही ख्वाब का, ये देखो ये देखो ये जनाब इतना उन्होंने दसाए कि इतना जरा ना बेड वगैरह वो निज़ाम कहना है फर्नीचर का, जमीनी ही मतलब जमीन तो सुमन का रिवाज था, और गाओ तकिए वगैरह और वो तमाम चीज़ा इन मौजूद हैं, ये कुर्सी वगैरह टेबल मौजूद है। ये जरा सामने लगा खड़े ने, ये उन्होंने दसाया कि बाहर तख्त के बादशाह जरे बांधे हैं ना उतना ये भी छेंदे हैं। और इस जेले 3 नवंबर 1947 को इन्होंने हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के नाल इलहाक किया, ये उनकी जेरी टेलीकॉम जी थी है उनकी ये सर्टिफिकेट आ गिनो पिक्चर आ गिनो प्रिंटेड फॉर्म में इतना इन्होंने पेस्ट किया हुआ। दोस्तों जरा तो रूम विजिट करवाए वो शाही रूम हा मौसम गर्मा दा, हुण असां जेरे रूम में दाखिल थींदे पए आ ये सर्दियां च विंटर जेरा रूम इस्तेमाल थींदा वो ये रूम हा, ये दरम्यान हीटिंग का इंतजाम है, इतना कुकिंग वगैरह भी कर गिंदे हैं, ये उन्हां दी डाइनिंग टेबल है इतना ही बाहर खाना खा गिंदे हैं, ये बालों की जगह वो देखो पंघूड़ा जी को असा सदें और पुराना जरा न्यू बॉर्न बेबी का जरा होंगे वो पंघूड़ा पिया हो, एक कुरान के नुस्खे पे हुए और ये 300 साल पुराने नुस्खे हैं, ये बर्तन वगैरह हैं ये लकड़ी के बर्तन हैं, ये देखो ग्लास वगैरह पानी वगैरह दे, ये जेरी जगह ये उन्होंने दसाया ड्राई फ्रूट वगैरह रखने वास्ते अपना कोई जिमें असं देहात शहरों में भी किचन हूँ अजकल शेल्फा आ गए ये उन्होंने पुरानी शेल्फ आखिर को, और हर जगह पर लिखा हुआ अपने सर का ख्याल रखें क्यों जो दरवाजे छोटे हैं तो तले थी तो गुजरना पौधे। हूँ असं जेरे रूम में दाखिल थे हैं ये सब तो पहले चीन के पुराने जेरे कागजी नोट हैं ना जेरे तिजारत वाले वास्ते उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और ये देखो दोस्तों ये जेरा ढोला किनो मौसीकी दे आलात जेरे हन हूँ वेले और अज भी था इस्तेमाल थींदे शादी ब्याह वगैरह ते, और ये सामने जेरा कालीन है ये 200 साल पुराना कालीन है उन्होंने दसाए, ये गन्स हैं ये रशियन गन्स हैं हंटिंग वास्ते डिफेंस वास्ते इस्तेमाल थींदे हैं, और ये फोर्ट की तस्वीर है रेनोवेशन तो पहले दी, ए वाल जेले रेनोवेशन थींदी पी है जेरे लोग रेनोवेशन शामिल हैं उन्हां दी तस्वीर है, और ए वाल जेरे ए भी ड्यूरिंग रेनोवेशन ही तस्वीर है, और ये सामने जेरे शीशे हैं ये भी उन्होंने दसे कि ये 1911 दे लगे हुए हैं, मतलब ये आगिनों के 112-113 साल थी गए निकू, ये देखो और इतों वाल हुआ ये खोलते जाहिर हुआ तले हुआ नज़ारा है, और ये दोस्तों हूँ एग्जिट थी पे असा ई ही रूम तू ये एमरजेंसी एग्जिट जिसको असा कहने अजकल जिमें असा प्लाजे या मुख्तलिफ जगह पर एमरजेंसी एग्जिट रखे हैं अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी पाए बजे तो ऊँ रास्ते तो बाहर निकलिया वेंदे, और ये एमरजेंसी एग्जिट है इतों जरा लोग बाहर निकलते हैं और इतों असा हूँ बाहर निकलते पे हैं, अजकल टूरिस्ट वास्ते जरा इो दरवाज़ा एग्जिट वास्ते इस्तेमाल थी कुर्बान लाटकी और हमजा तारड भाई जरा हूँ सबको इतना मिलन सही। दोस्तों तुसा यकीनन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उसे बलतीत फोर्ट तो आपको पूरा विजिट करवाए, और कितने 100 साल पुराना फोर्ट है
और इंतहाई शानदार हालत है। अजन भी मौजूद है। 830 कितने 830 साल पुराना किला है और असा बहुत इंजॉय किते। और ये एक तोप इतना है और लिखा हुआ है तारीखी तोप दे बारे च डिटेल, तोप हुंजा अल मारूफ जलजला बोस। वाह, ये देखो दोस्तों ये तोप। और असा हुण ये गल करे दे पे असे हमजा भाई सो क्या गल करे दे पे कि वो वेले क्या सीन होगा उसे बादशाह वास्ते और तल्ले वाली होगा। देखो ना उनते मौसम जिस तरह तब्दील हो गया है, गर्मियां किथे चली गई, बरसात किथे बाहर मौकी गई, इत्थे तक ते आंदा होएगा, दरिया आंदा होएगा, इत्थे ते हर वक्त ही बर्फ रहिंदी होएगी जे सानू हुणे भी नजर आ रही है क्या, ते बिल्कुल इत्थे हुंदी होएगी। ये देखो दोस्तों और ये तल्ले इत्थों दरिया है, अजन दरिया दा शोर इत्थां साकु सुणींदा पे और ऊं वेले दरिया दा क्या शोर होंदा उसे और पता नहीं किस तक दरिया उसे वो सामे तले दरिया नजरता पे। दोस्तों ये तुसा यकीनन बहुत इंजॉय किया उसे, जेरे भी लोग मैं बार बार खेंदा पे हाँ इस साइड ते आवेन या लाजमन कोई टाइम काटते बजट बनाते टूर करो लाजमी, बहुत एक्सपोजर मिलते, बहुत चीज़ा सीखने को मिलते, हिस्ट्री का पता लगते, काफ़ी चीज़ा नवे बंदा सीखते वेंदे जिथा भी वेंदे और सफ़र वसीला सफ़र खेंदे। तो ये व्लॉग इतें ही एंड करेंगे हैं, असा हूँ इतों अपना नारायण का सफ़र शुरू करे सूँ हूँ वाल नैक्सट व्लॉग है तो दिखेंदे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो, वसेब के लोगों का ख्याल रखे सो। अल्लाह हाफिज़।